दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी मोटिवेशनल कैटेगरी का इंस्टाग्राम पेज बनाया है लेकिन आपको उस पर अपलोड करने के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि आप लोग कौन सी पोस्ट उस पर अपलोड करो या फिर रील के लिए भी आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग अपने मोटिवेशनल इंस्टाग्राम पेज के लिए कॉन्टेंट फाइंड कर सकते हो। मैं आपको पोस्ट के लिए भी बताऊंगा, अगर आप लोग पोस्ट अपलोड करते हो तो पोस्ट के लिए भी आपको कंटेंट मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको रील के लिए भी बताऊंगा कि आप लोग मोटिवेशनल रील्स कहाँ से फाइंड कर सकते हो एंड कहां से आप लोग उन पर पोस्ट बना सकते हो। तो चलिए यार, हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कहां से कंटेंट ले सकते हो। तो अगर बात करें मोटिवेशनल कैटेगरी की, तो यहां पर हम लोग अपने जो पोस्ट है उसमें मोटिवेशनल कोट्स जो है कि पोस्ट बनाकर हम लोग इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका मैं जो आपको बताऊंगा वो है खुद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सर्च बार। इंस्टाग्राम पर आप लोग जैसे सर्च बार में जाओगे, वहां पर आपको सर्च करना है मोटिवेशनल कोट्स, तो उससे रिलेटेड आपको काफी सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। वहां से आपको कंटेंट लेना है और अपनी खुद की पोस्ट अलग से बना लेनी है। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा तरीका है वो है गूगल। आपको गूगल पर जाना है, वहां पर आप लोग सर्च करोगे मोटिवेशनल कोट्स। अब आपका अगर इंग्लिश में पेज है तो आपको इंग्लिश में करना है, अगर आपका पेज हिंदी में है तो आपको सर्च करना है मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। तो आपको कई सारे कोट्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे, काफी सारी वेबसाइट ऐसी है जिन पर आपको मोटिवेशनल कोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आपको कोट्स उठाना है, उनको कॉपी करना है और अपनी खुद की पोस्ट बनानी है और आप लोग को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करोगे मोटिवेशनल कोट्स, तो उससे रिलेटेड आपको वहां पर काफी सारी एप्स मिल जाएंगे। तो उन एप्स में से जिनकी रेटिंग 4 से ज्यादा है, मतलब 4.1 4.2, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको काफी सारे मोटिवेशनल कोट्स से रिलेटेड कोट्स मिल जाएंगे, पोस्ट मिल जाएंगी, मतलब इमेज से मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग अपने पेज के लिए कंटेंट ले सकते हो। और अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले तरीके की। तो सबसे लास्ट वाला तरीका है आपके रिलेटेड पेज। जैसे आपने मोटिवेशनल पेज बनाया है तो इंस्टाग्राम पर उससे रिलेटेड काफी सारे मोटिवेशनल पेज से है, तो आपको वहां से भी कंटेंट ले लेना है। वहां पर आपको जाना है एंड उनकी पोस्ट को देखना है, उसी तरह का कंटेंट आपको भी बना देना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उनका कॉपी करना है, आपको उनका कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आप वहां से आइडिया ले सकते हो, मतलब सेम पोस्ट आप बना सकते हो, उसमें आपकी कुछ क्रिएटिविटी लगा सकते हो। जैसे उन्होंने अलग डिफरेंट टाइप के इमेज लगाया है तो आप लोग कुछ अलग इमेज उस पोस्ट में लगा सकते हो, तो कुछ इस तरह से आप लोग कंटेंट फाइंड कर सकते हो पोस्ट के लिए। तो ये हो गई थी हमारी पोस्ट की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग मोटिवेशनल इंस्टाग्राम रील कहाँ से ले सकते हो, मतलब रील्स के लिए कंटेंट कहाँ से ले सकते हो। पोस्ट के लिए तो आप लोग समझ गए, इन इन जगहों से आप लोग 3-4 तरीकों से ले सकते हो, लेकिन जब हम रील बनाते हैं तो उसके लिए हमें कंटेंट कहाँ से लेना है। तो मोटिवेशनल रील्स के लिए कंटेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल से आप लोगों को मोटिवेशनल कोट्स करके आपको वहां से कोट्स उठा लेना है, वो कोट्स आप ले लोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एडिटिंग में क्या करना है, आपको उसके लिए वीडियोस चाहिए होंगी तो वीडियोस आपको मिल जाएगी pixels.com या फिर pixabay.com, ऐसी वेबसाइट्स आपको, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस ले लेनी है। और उसके बाद आपको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उनको एडिट करना है एंड इसके बाद आपकी रील कंप्लीट एडिट हो जाएगी और आप लोग अपलोड कर सकते हो। और अगर बात करें दूसरे तरीके की, तो वो है YouTube पे काफी सारे ऐसे सेशंस होते रहते हैं, वहां से आप लोग जो है अपने रील्स के लिए कंटेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरे तरीके में आपको करना क्या है, YouTube पर आपको ऐसे कई सारे पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज मिल जाएंगे काफी लोगों के, वो वीडियो आपको वहां से डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद आपको करना क्या है, उन वीडियोस को डाउनलोड करने के बाद उनमें से आपको कुछ पार्ट की रील काट लेनी है, मतलब रील आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको जो रील है वो कट कर लेनी है, जहां जहां भी आपको लगे कि हाँ यहाँ से इस पार्ट में कुछ मोटिवेशन जुड़ा हुआ है वो रील आपको ले लेनी है। तो आप लोग पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू सेशन से भी अपने रील के लिए कंटेंट ले सकते हो। और सेम तरीके का यूज मैं अपने पेज पर भी करता हूँ, जैसे मेरा स्किल मार्केट का पेज है उस पर भी मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अब आपको बता दिया है कि आप लोग अपने मोटिवेशनल इंस्टाग्राम पेज के लिए पोस्ट के लिए कंटेंट कहाँ से ले सकते हो और रील के लिए कहाँ से ले सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।